और अब बात कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस की, तो शुक्रवार से पूरे प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। हालांकि बाजार शाम 5 बजे ही बंद किए जाएंगे, तो वहीं सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 8 बजे तक चालू होगी। होटल्स में इन हाउस गेस्ट की सर्विस चालू रहेगी, तो वहीं स्कूल, कोचिंग और कॉलेज पूरी तरह से बंद होंगे। वहीं धार्मिक, सामाजिक आयोजनों, जुलूस और मेलों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। 31 मई तक शादी जैसे आयोजनों में 50 मेहमानों के होने की ही इजाजत होगी। इसके लिए भी पहले एसडीएम को इसके बारे में सूचना देनी होगी और उल्लंघन करने पर आयोजन स्थल पर 7 दिन की सीज कार्रवाई भी होगी। तो वहीं अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोग ही अब जा पाएंगे, इसकी अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर केवल ऑनलाइन दर्शन हो पाएंगे। तो वहीं सार्वजनिक परिवहन में 50% ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। राज्य बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिल पाएगी। तो वहीं 100 से ज्यादा कर्मचारी किसी ऑफिस में है तो उसमें 50% ही उपस्थिति रखनी होगी, बाकी 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू में कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राज्य के कार्यालय लगातार उत्पादन और नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, दवा की दुकानें, आईटी कंपनियां, विवाह समारोह, बस, रेलवे, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग करने वालों को छूट रहेगी। हालांकि छूट के लिए कोई विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम को पहचान पत्र, निमंत्रण पत्र या फिर यात्रा का टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। तो अब नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, जिसके तहत कल से ही ये सख्त नियम प्रदेश में लागू हो जाएंगे। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। हालांकि बाजार पूरी तरह से 5 बजे ही बंद करने होंगे। और नाइट कर्फ्यू में कहां कहां छूट है ये भी आपको बता देते हैं। कोविड मैनेजमेंट में जो संबंधित कार्यालय के लोग हैं उनको छूट है। लगातार उत्पादन और दवा की दुकानें, आईटी कंपनियां, विवाह समारोह, इनमें छूट रहने वाली है। बस, रेलवे, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण को भी छूट है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य रूप से टिकट दिखाना होगा। माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग करने वालों लोगों को भी छूट रहेगी और छूट के लिए कोई विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम को कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से दिखाने होंगे। पहचान पत्र दिखाना होगा, या शादी में जा रहे हैं तो निमंत्रण पत्र दिखाना होगा, या फिर यात्रा करके वापस लौटे हैं तो टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। पूरे प्रदेश में आपको बता दें शाम 6 से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस सख्त नियमों के तहत सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना पर कुछ हद तक लगाम लग सके। सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगे। तो कोरोना की अब नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। होम डिलीवरी हालांकि रात 8 बजे तक चालू रहेगी और होटल्स में इन हाउस गेस्ट की सर्विस भी जारी रहेगी। स्कूल, कोचिंग और कॉलेज पूरी तरह से बंद किए गए हैं। तो नए नियम काफी सख्त हैं। लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू जिस तरह से सख्त नियम लागू किए गए हैं वो कुछ हद तक आपको लॉकडाउन की ही याद दिलाएगा।